हेलो एवरीवन वेलकम टू मिटटॉक इंडिया जहां पे हम पिक्चर्स वीडियोस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम योर एनसीआर क्लास एट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और आज हम एक्सरसाइज फाइव के क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे एंड विल सी वेदर वी कैन सोल्व इट मेंटली और नॉट इस चैप्टर के सभी पार्ट की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो इट एस क्विकली स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर वन वॉट विल बी दूनिट डिजिट ऑफ द स्क्स दंबर्स हमें सिर्फ यूनिट पूछा है that we can do mentally only. तो एट्टी वन में यूनिट डिजिट है टू टू झा फोर नंबर थ्री यूनिट डिजिट इज नाइन 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 एट्टी वन तो सिर्फ वन ही हम लिखेंगे After that, number 4th is unit digit is 3, so 3 threes are 9 will be answer. Fifth one unit digit is 4, 4 fours are 16, so 6 will be answer. Unit digit is 7, 7 7s are 49, 9 will be answer. Unit digit is 8, 8 8s are 64, 4 will be answer. And unit digit 0, 0 0s are 0, 0 will be answer. Here unit digit is 6, 6 6s are 36, 6 will be answer. होगा आंसर। एक ऐसा नंबर है जिसे हम किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं तो ये जितने भी नीचे नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमें उसका रीजन बताना है तो जैसे सबसे पहले नंबर वन इसका यूनिट डिजिट है सेवन तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी यूनिट डिजिट में वन फोर फाइव सिक्स नाइन और जीरो होगा तो ऐसे वाले नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे जबकि ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में टू थ्री सेवन एट हो ऐसे वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली नहीं होंगे तो इन्हें हम देख के ही बता सकते हैं जैसे यहाँ पे सेवन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सेकेंड वन में लास्ट यूनिट डिजिट थ्री है

तो पहला वाला जो नंबर है उसका तो स्क्वायर बनेगा ही साथ में जो जीरो है जितने जीरो है उसका डबल जीरो आंसर में होगा तो अगर एक जीरो है आंसर में दो जीरो होगा अगर दो जीरो है तो हमारे आंसर में चार जीरो होगा मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए लेकिन यहां पे नंबर ऑफ जीरोस तीन है ऑड है तो इसीलिए हम इसे देख के ही बता सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्या बच रहा है ये वाला यहाँ पे भी लास्ट में तीन जीरोस है ऑड नंबर ऑफ जीरोस तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे एक जीरो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर तो एक प्रॉपर्टी ये है कि स्टार्टिंग का नंबर अगर ऑड है तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा वो भी ऑड ही होगा और अगर स्टार्टिंग का नंबर इवन है तो उसका जो स्क्वायर नंबर है वो भी इवन नंबर ही होगा तो उसी को सिर्फ हम देख के ही पता कर सकते हैं जैसे ये नंबर ऑड नंबर है एंडिंग में वन है ऑड नंबर तो इसका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर होगा तो इसे हम टिक करेंगे ये वाला नंबर इवन है इसका स्क्वायर इवन होगा हमें ऑड नंबर के बारे में पूछा है तो इसे हम क्रॉस करेंगे ये वाला भी यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर होगा हम इसे टिक करेंगे ये वाला नंबर इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा तो ये हम क्रॉस करेंगे पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स तो हमारा पैटर्न ये है वन वन इलेवन का स्क्वायर होता है वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इस वन वन के बीच में अगर जीरो आ गया तो उसका पैटर्न बन जाता है वन ज़ीरो टू जीरो वन अगर बीच में दो ज़ीरो आ जाता है तो हम दो दो ज़ीरो लिखेंगे वन ज़ीरो ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो और फिर वन अभी यहाँ पे कितने ज़ीरो आ गए एक दो तीन चार ज़ीरो आ गए तो हम चार जीरो लिखेंगे वन वन टू थ्री फोर ज़ीरो टू वन टू थ्री फोर ज़ीरो एंड देन वन नेक्स्ट नंबर काउंट द नंबर ऑफ जीरो फोर फाइव सिक्स तो इसे हम कैसे लिखेंगे वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो उसके बाद टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो एंड लास्ट में ये वाला वन और ये हो जाता है हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग पैटर्न है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स तो सिर्फ पैटर्न देख के ही हमें आंसर लिखना है 11 का स्क्वायर 121, 11 के बीच में जीरो आ गया तो जीरो हम लिखेंगे 10201 अब इसका पैटर्न क्या है जितने भी वन लिखे हैं उतने नंबर के डिजिट तक जाना है जैसे यहाँ पे दो वन लिखा है तो दो जीरो तक जाना है दैट मीन्स वन जीरो टू जीरो वन यहाँ पे तीन वन है एक दो तीन तो हम तीन नंबर के डिजिट तक जाएंगे वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फिर उल्टा टू जीरो वन अब यहाँ पे कितने वन है एक दो तीन चार हैं तो हम यहाँ पे फोर डिजिट तक जाएंगे दैट इज वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो उसके बाद उल्टा थ्री ज़ीरो टू ज़ीरो वन उसी तरीके से यहाँ पे कहाँ तक गया हुआ है वन ज़ीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर ज़ीरो फाइव ज़ीरो तक गए हैं उसके बाद उल्टा फोर जीरो थ्री ज़ीरो टू ज़ीरो मतलब हमें पाँच वन लिखने हैं यहाँ पे तो एक वन यहाँ पे एक वन यहाँ पे और बीच बीच में जीरो लगाना है ज़ीरो वन ज़ीरो वन कितने वन हुए एक दो तीन ये चार है एक और वन हमें लगाना है ज़ीरो वन यहाँ पे बीच में जीरो तो इस तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम खुद ही हमारा आंसर फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स तो यहां पे कैसा पैटर्न चल रहा है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर जो कि करेक्ट है स्क्वायर 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 इज 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 थ्री का स्क्वायर सो कैलकुलेशन वाइज इट इज करेक्ट अब इसका पैटर्न कैसा है जो आंसर आया इसी का कन्जिक्यूटिव बिफोर वाला नंबर यहाँ पे लिखा है थ्री का बिफोर नंबर टू सेवन का बिफोर नंबर सिक्स थर्टीन का बिफोर नंबर ट्वेल्व उसी हिसाब से ट्वेंटी वन का बिफोर वाला नंबर यहाँ पे ट्वेंटी का स्क्वायर होना है एंड देन इफ़ यू ऑब्जर्व शुरू के दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ वन मल्टीप्लाई बाई टू हमें तीसरा वाला नंबर मिलता है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज़ सिक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर इज़ ट्वेल्व फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव इज़ ट्वेंटी तो उसी हिसाब से फाइव मल्टीप्लाई बाई बी थर्टी तो यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर आएगा उसी हिसाब से सिक्स मल्टीप्लाई बाई सेवन इज़ फोर्टी टू तो यहाँ पे फोर्टी टू का स्क्वायर आएगा और क्योंकि इस वाले नंबर का आफ्टर वाला नंबर यह हम यहाँ पे लिख रहे थे तो 42 का आफ्टर वाला नंबर 43 थ्री विल कम है फोर्टी थ्री स्क्वायर तो इस तरीके से हमारे सारे ब्लैंक्स पूरे हो जाते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ये सारे ऑड नंबर्स हैं। एंड द सम ऑफ कंजीक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स विल बी एन स्क्वायर एन क्या है कितने नंबर्स यहाँ पे लिखा है वो है तो जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच है फाइव एन इज इक्वल टू फाइव तो फाइव का स्क्वायर क्या होगा तो पे कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, छः, सात आठ नौ दस दस कंसिकल एन का स्क्वायर के हिसाब से टेन का स्क्वायर विच इज टेन जन हंड्रेड इन सब को एड करेंगे तो वन हंड्रेड मिलेगा सी द थर्ड वन यहाँ पे है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट We have to do 12 square. 12 square is 144. तो इन सब को हम add करेंगे, हमें मिलेगा 144. Let us see our next question number eight. We have to express 49 as a sum of seven odd numbers. तो वही question number seven में हमने जो property देखा था, उसी से related है ये. Sum of seven consecutive odd numbers is seven का square. That means 49. तो इस 49 को हम कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं सात कंसेक्यूटिव ऑर्ड नंबर लिखेंगे सेवन पे 7 हमने लिख दिए एक दो तीन चार पांच छः सात यस तो इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमें फोर्टी नाइन मिलेगा नेक्स्ट नंबर टू वी हैंड्रेड ट्वेंटी वन एज सम ऑफ इलेवन ऑर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सो वन हंड्रेड ट्वेंटी टू इलेवन का स्क्वायर एंड इज करेक्ट तो ये हम कैसे लिखेंगे से से तो यहाँ पे हमने इलेवन नंबर्स लिख लिए इन सबको ऐड करेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी वन मिलेगा नेक्स्ट वी द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तो पहला वाला नंबर है बिटवीन ट्वेल्व स्क्वायर एंड थर्टीन स्क्वायर कितने नंबर होंगे तो इसके ऊपर हमारा एक प्रॉपर्टी है देर आर टोटल टू एन नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ स्क्वाजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और ये n क्या है n है इन दोनों नंबर्स में जो छोटा वाला नंबर होगा वही होगा So if n is equal to 12 2n is equal to 12 2s are 24 there will be 24 non square numbers between 12 square and 13 square next question number 2 how many non square numbers lie between 25 square and 26 square dono me se chota number 25 so 2n will be 2 multiply by 25 that is 50 so there are 50 numbers between 25 square and 26 square next number 3 how many numbers lie between 99 square and 100 square formula 2n n kya hai chota wala number so 2 multiply by 99 is 198 so 198 numbers lie between 99 square and 100 square चलिए स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने सब पढ़ लिया लेकिन हम स्क्वायर निकालते कैसे हैं उसके लिए बहुत लॉन्ग मेथड्स भी हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं तो वो सब सीखेंगे हम हमारी अगली क्लास में सो ट्यून विल बीट वेरी सुन थैंक यू वेरी मच बाय बाय